हेलो दोस्तों, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की ये रीडिंग है ऐसे व्यूअर्स के लिए जिनका कोई चहिता पर्सन उन्हें अपना रियल फेस आइदर नहीं दिखा रहा है या फिर मजबूरी में है। इट मींस फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं किसी पर्सन को लेकर, किसी ऐसे पर्सन को लेकर जो कि आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपको जिनसे प्यार है बट आप नहीं समझ पा रहे हैं इफ़ देर इज़ सम मजबूरी या फिर ये पर्सन खुद से ही ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ बताई हुई सिचुएशंस फ्रेंड्स अगर आपको लगता है आपके साथ की हैं तो इस रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स इसे अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं बट फ्रेंड्स 3D लेवल पर पहले आप कंफर्म्ड भी हो जाएं इफ़ थिंग्स आर रनिंग द सेम वे। फाइव ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा था फ्रेंड्स बाहर। इट मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये पर्सन जान करके ही ऐसा कर रहे हैं बट हम टैरो कार्ड से फाइंड आउट करते हैं क्या सिचुएशंस चल रही हैं और किस वजह से चल रही हैं। इगोइस्टिक इश्यूज भी हैं फ्रेंड्स, आपकी याद तो इस पर्सन को आती है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आप अपने पर्सन पर कंसंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें और उनका नाम पुकारें फ्रेंड्स डीप इनसाइड प्यार से। फ्रेंड्स पर्सन जो हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, आइदर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स बट रिलेशनशिप वाइज तो कॉन्स्ट्रेंट्स चल ही रहे हैं। ऑल राइट, वेल आपकी याद आती है और फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ आ गया है फ्रेंड्स। याद आपकी आती है फ्रेंड्स बट इस पर्सन के जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स ये पर्सन जानते हैं अभी बातचीत की गई तो फिर कुछ बड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी लाइक है, थोड़ा षड्यंत्र है। मे बी आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं चल रहा है जिसमें कुछ डिफरेंसेस हैं तो इस वजह से फ्रेंड्स दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू यू नाउ इट इज़। हाँ, आप इनके दिल में हैं, भावनाओं में हैं। फ्रेंड्स अब ये पर्सन पहले से ड्यूअल मेंटेलिटी में भी आ चुके हैं, ड्यूअल मेंटेलिटी में आ चुके हैं। दिस इज़ लाइक आपसे बातचीत स्टार्ट करना भी चाहिए या नहीं, ड्यूअलिटी आ गई है। हो सकता है फ्रेंड्स परमानेंट थर्ड पार्टी में ये पर्सन है और इस थर्ड पार्टी में देर इज़ सम डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन बिकॉज यहाँ ये जो बैकग्राउंड है इसमें डार्कनेस है फ्रेंड्स। तो ये पर्सन अपने जीवन में एक मौका चाहते हैं थिंग्स को इम्प्रूव करने का जो भी इनके साथ इम्प्रूव्ड नहीं है। आपको लेकर के फ्रेंड्स ड्यूअलिटी है इस पर्सन के माइंड में। ड्यूअलिटी का मीनिंग ये भी है फ्रेंड्स कि इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। एवरी कॉइन हैज़ टू फेजेस ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स दिल में, दिमाग में आप हैं, दिल में आप हैं, प्यार आपसे है बट व्हेन इट कम्स टू एक्शंस तो उसको लेकर के ड्यूअलिटी इस पर्सन में है। किंग ऑफ कप्स भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। वेल फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है आपका प्यार इनसे ट्रू है तो फिर दिस पर्सन विल गेट बैक टू यू, कनेक्ट होंगे आपसे। एंड जिस तरह की एनर्जीज आ रही हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में एक मौका देना चाहते हैं अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो दिस कैन ऑल्सो बी लाइक कि ये किसी न्यू डायरेक्शन में भी बढ़ सकते हैं। इट मीन्स किसी और पर्सन से भी कनेक्ट हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ। अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच बहुत कुछ अच्छा रहा है, कुछ थिंग्स डिस्टर्ब हुई हैं, तो भी दिस पर्सन विल अप्रोच यू। चलिए देख लेते हैं किसकी ओर ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स है फ्रेंड्स, द फूल, टू ऑफ कप्स। वेल फ्रेंड्स, अगर आपकी तरफ से इस पर्सन को किसी तरह का कमिटमेंट नहीं है तो दिस पर्सन लविंगली वॉन्ट्स यू, तब तो ये आपसे कनेक्ट होंगे। इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर आपने इस पर्सन को दिल दिमाग से सर्व किया है, दिल से सर्व किया है, तो दिस पर्सन विल गेट कनेक्टेड टू यू। अदरवाइज फ्रेंड्स, दिस इज लाइक पर्सन की लाइफ में सम डिस्टर्बेंस इज गोइंग ऑन और ये एक नए पार्टनर तो चाहते ही हैं अपनी लाइफ में। हाँ, आपके साथ अगर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है तो फिर दिस पर्सन विल बी कनेक्टेड टू यू इन अ फ्रेंडली वे। आपके साथ कॉम्पिटिबिलिटी अच्छी है फ्रेंड्स। चलिए अब एनर्जीज चेक करते हैं फ्रेंड्स, इस पर्सन की, आपकी, एंड एक एनर्जी आप दोनों के लिए म्यूचुअली देखते हैं। तो आप कंसंट्रेट करें फ्रेंड्स अपने पर्सन पर। लेट्स सी इस वक्त उनकी एनर्जीज कैसी हैं जब आप रीडिंग देख रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, द गार्डन एंड द गेट। यस फ्रेंड्स, पर्सन नोज की फ्रेंड्स आप दिल से इनके लिए अवेलेबल हैं। कम्युनिटी, ये आपका एनर्जी है फ्रेंड्स। आपको लगता है कि पर्सन कहीं किसी अदर डायरेक्शन में ना बढ़ जाए। लेट्स सी यूनिवर्सली क्या मंजूर है आप दोनों के लिए। एक एनर्जी दोनों के लिए म्यूचुअली लेते हैं। द थिंकिंग मैन आया है फ्रेंड्स, दिस इज कूल। ऑल राइट, तो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं आप और अच्छे वे में सोच रहे हैं फ्रेंड्स। दिस इज लाइक कोऑपरेटिव वे में सोच रहे हैं, इमोशनली जहां कंटेंट कर पाए एक दूसरे को, ऐसा सोच रहे हैं। दिस इज ऑल कूल। आप दोनों फ्रेंड्स सेम साइन के पर्सन हो सकते हैं, वाटर टू वाटर, एयर टू एयर, अर्थ टू अर्थ। नंबर 4523 8 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स। एक आपके लिए एडवाइस लेते हैं, अगर आपको लगता है ये सब उनके साथ की सिचुएशंस हैं तो फिर एक एडवाइस कार्ड आपके लिए लेते हैं। फोर ऑफ वांड्स है फ्रेंड्स यहां पर। सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू, पीस एंड कंटेंटमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। तो इसको एज एन एडवाइस रखें फ्रेंड्स। इट मीन्स अब ये पर्सन अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो पीसफुली और कंटेंट सेटिस्फेक्शन के साथ आप डील करें। ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है ही फ्रेंड्स, बड़ा बिजली गिरा है आप दोनों के दिल दिमाग पर। तो ये ऐसा समय है फ्रेंड्स दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड। इसमें आपको कुछ चेंजेस लाने हैं अपने अंदर और ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ देना है फ्रेंड्स। जो भी नोशन आपने एक दूसरे के लिए बनाया हुआ था उसको छोड़ देंगे इस बार। चलिए एंजल से एक क्वेश्चन आप यस और नो में रखें। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए फ्रेंड्स। लेट्स आस्क एंजल्स आपके क्वेश्चन का, आपके पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है। Wait, within the next few weeks, a year from now.
ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ लाइक आप अपनी एनर्जीज़ में वेरिएशन लाएं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेज ना करें, फॉलो ना करें, स्टॉक ना करें, लेट दिस पर्सन थिंक, इन्हें सोचने दें, बिकॉज पर्सन जो हैं इमोशनल तो हैं, दिस इज़ अ गुड साइन फ्रेंड्स। हाँ इमोशनल है, बट कुछ बातें इनसे जाने अनजाने में गलत हुई हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एज एन ऑब्स्टेकल आया है इस पर्सन के लिए, इट मीन्स इस पर्सन ने कुछ तो कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट किया था और उसका खामियाजा ये भी भुगत रहे हैं। एक प्रिडिक्शन लेते हैं आप दोनों के लिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ट्रस्ट इफ़ यू बिलीव। तो फ्रेंड्स आप बिलीव रखें, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, वेट ना करें, और कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए वेट करें, अभी आपको बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ ऑल, थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर।